शिष्टाचार सब सही जैसा कि अभी हम देख रहे हैं जो किसान बिल पे चर्चा है जोर शोर से जारी है, बहुत सारे प्रशिक्षकों ने अपने अपने विचार प्रकट किया है। तो अभी जो प्रदीप जी ने बोला है जो तीनों बिलों की अच्छाइयां बताई है, मैं उनमें कुछ सुधार करना चाहूंगा। जो ने बोला है पहला बिल जो कृषि उत्पाद पर है जो सब एपीएमसी जो है इसके अंतर्गत जो क्या था, पहले तो आधार यह था कि आप एक एपीएमसी में रजिस्टर्ड कंपनियों में ही यानी समितियों में ही अपने पैदावार फसलों को बेच सकते थे, लेकिन सरकार ने क्या किया है कि अब एपीएमसी को नियंत्रित कर दिया है। मतलब क्या कि आप अपनी फसलों को जहां चाहे अपनी सुविधा अनुसार बेच सकते हैं। सही बात है, बेचिए, बट थोड़ा सा उन किसानों के बारे में सोचिए जिनके पास सीएमआर के साधन नहीं है। बात करें उन किसानों की, करो किसान तो होते हैं, पंजाब वाले होते हैं, कुछ और किसान भी होते हैं, लेकिन उन किसानों को फायदा है जिनके पास सीएमआर के साधन है, ढेर सारी संपत्ति है, ढेर सारे खेत है, लेकिन उन किसानों का क्या जिनके पास 50 जैसे खेत है, उनके लिए बिल कैसे लाया होगा। दूसरा बात जो है कृषि शक्तिकरण, जो कॉटन फार्मिंग की बात हो रही है, कॉटन फार्मिंग क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी हमारे ये गाँव में सारे खेतों में क्या करेंगी कॉन्टेक्ट ले लेंगे और लिखित ले लेंगे। इसका मैं समर्थन करता हूँ जो कॉन्टेक्ट फार्मर बोर्ड है, क्योंकि इससे फायदा होने वाला किसानों को इसलिए कि जब हम फसल को बोते हैं, जब फसल बोने जाते हैं, बीज खरीदते हैं, हमारा बीज बहुत महंगा मिलता है। फिर जब हमारे साथ कंपनियां आएंगी तो हमसे यही करा करेंगे कि आप लोग जिस दाम का फसल बो रहा है, जब फसल आपका तैयार हो जाएगा मैं उसी दाम पे आपका सारा फसल क्या करूंगा, खरीद लूंगा। सही बात है भाई, इसमें सीधे सीधे किसानों को ही फायदा है, लेकिन सपोज करिए उन्होंने बोला है कि चाहे फसल बर्बाद हो गए, चाहे फसल पैदावार हो या ना हो, किसानों को उतना पैसा मिलेगा मिलेगा, कंपनी पा रहा है उसमें अनाज मिलेगा या नहीं, पैसे किस बात करेगा किसानों को। तीसरा जो कह रहे कृषि सशक्तिकरण संशोधन वाला जो अनाज दाल जो है इसका संशोधन अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, करिए। सही बात है, उन्होंने बोला पंडित जी ने कि छोटे छोटे किसान लोग कर क्या करें, एक जना अनाजों की कर लेते हैं, लेकिन गाँव का जो हाल होता है हम सभी लोग उससे परिचित है। अनाज एक समाज इकट्ठा हो भी जाता है सबका, तो जबरदस्ती गारंटी कौन देगा कि अनाज मेरा है, मेरा से उसका है। अगर उसमें कहीं जंग कर जाती है, उसमें से चोरी हो जाती है, इसका भरपाई कौन करेगा, आप करेंगे, सरकार करेगी, नहीं करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बिल है एक तरह से देखा जाए, पूरा डिस्कशन करा जाए, तो कहीं ना कहीं जो सरकार बिल पास की है वो कहीं ना कहीं निजीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है। और थोड़ा सा मैं विधेयक पर चर्चा करना चाहता हूँ कि जो विधेयक अध्यादेश के अंतर्गत किया है, क्या उन्होंने थोड़ा सा उचित नहीं समझा कि विपक्ष से थोड़ा राय मशवरा कर लिया जाए, उस पर चर्चा कर लिया जाए। सही है कि विधेयक जो है आपातकालीन स्थिति में मतलब पारित किया जाता है, लेकिन इस समय बहुत सारा बात करने आ गया था, हमारा मतलब खत्म हो चुका है, उसके जो मामले हैं थोड़ी कम हो गए हैं, लेकिन उन्होंने तत्काल में किसानों के ऊपर इतना मेहरबानी क्यों की। सपोज करिए आप लोग दोबारा सर्विस चलाते हैं, सर्विस चलाते हैं ना, इसमें इंटरनेट का जमाना है, अगर आप लोग कीपैड मोबाइल फोन के चलाने के लिए कोई चलाएगा नहीं चलाएगा ना, तो इसलिए किसानों पर जबरदस्ती कम चाहते हुए भी फिर क्यों थोप मचा रहा है। मेरा बस कहना ये भी है जो किसान कह रहे हैं एमएसपी की जो बात कर रहा है उनको लिखित आश्वासन देने की बातचीत करिए, बातचीत करिए, ठीक है, क्यों नहीं सरकार किसानों को लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हो रही है। अब तक 11 बातचीत हो चुका है, क्या क्या इसका मतलब डिस्कशन निकला है, कोई डिस्कशन निकला है नहीं। बस मैं यही कहना चाहूंगा जो किसान चाह रहे हैं, जो ऐसे संशोधन की बात है उसमें सरकार और किसान पक्ष दोनों ये सब बैठ के बातचीत करें, और जिसमें सबका कल्याण हो उस नियम को